ये यहाँ क्या कर रहा है? ये तो जेल में बंद था। तुम क्या हाथ में हाथ डाल के आ गई हो? किसने इसको छुड़वाया? सिप्तैन भाई ने। क्यों? इतना बड़ा धोखा दिया, तुम अपनी जान लेने की कोशिश करी थी, अब फिर होश में आओ। इसकी बेवफाई की वजह से तुम अपनी जान लेने लगी थी क्या? आप ही अब मेरी बात सुनो। नहीं, मैं क्यों सुनूं? तुम्हें नजर नहीं आ रहा ये फिर तुम्हें धोखा देगा? आप ही अयाज मेरा शौहर है, उससे गलती हुई है जैसे मुझसे गलतियां होती थी। उसने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो मेरे अलावा किसी और लड़की के पास नहीं जाएगा, और हम दोनों एक दूसरे को एक मौका देना चाहते हैं। अच्छा, इससे प्रॉमिस किया और तुमने मान लिया? धोखेबाज है क्या? तुम्हें लगता है कि ये सच्चा है? ये फिर तुम्हें धोखा देगा? खुदा ना खास्ता फिर अगर तुमने कोशिश की खुदकुशी की और हम नहीं हुए, फिर क्या होगा? छोड़ो इसे। पापी, मैंने इस बार सच्चा वादा किया ना उनसे। तुमसे बात कर रही हूँ मैं? नहीं ना, अपनी बहन से बात कर रही। मुझे तो समझ नहीं आती है ना, तुम और सजीला, तुम लोगों ने क्या कसम खाई दी है हमारे नाम को बर्बाद कर दो? लोग थू-थू करेंगे। किस तरह के इसके बहन के शौहर किस तरह के? आप ही, मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं है। मुझे लोगों के साथ नहीं रहना, मुझे अयाज के साथ रहना है। और प्लीज मुझे डिक्टेट करना बंद करें। किस तरह से बात कर रही हो मुझसे? ऐसे ही बात करूंगी मैं आपसे। आप ही एक बार अपने आप को आईने में देखें, क्या बन गई हैं आप? बिल्कुल अकेली रह गई हैं आप। बेचारे मिर्जा भाई इतने सालों के बाद आए थे, और आपकी सेल्फिशनेस की वजह से वो बेचारे चले गए। मुझे ऐसा अंजाम नहीं चाहिए, मैं ऐसी बेवकूफी नहीं करूंगी। आपने और सिप्तैन भाई ने हमेशा मेरी हर जिद मानी और हर ख्वाहिश को पूरा किया। इस वजह से मैं इतनी जिद्दी और खुदसर हो गई कि मैं इंसानों को चीजों की तरह ट्रीट करने लग गई। लेकिन आप ही, अब मुझ में अकल आ गई है। अब मैं मजीद ये नहीं कर सकती। मुझे अब अयाज के साथ अपना घर बसाना है। अपना घर बसाना है? पागल हो गई हो तुम? अब जो सारी तुम्हारी गलतियां थी वो हमारी वजह से थी? हमारा कसूर है कि हमने तुम्हें नाजुक से पाला है? क्या हो गया तुम्हें? मेरी बात सुनो अनन, इस खुद कंगले की ना औकात दो कौड़ी की नहीं है। अगर सिप्ते इसको हेल्प ना कर रहा हो तो क्या गुर्बत में रह पाओगी तुम? जितने नाजों से हमने तुम्हें पाला है, तुम्हें तो गुड लाइफ पसंद है ना? कैसे रहोगे इसके साथ बताओ मुझे? कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। मैं एक रोटी खाकर भी गुजारा कर लूंगी, लेकिन अब मैं अयाज के बगैर नहीं रहूंगी। मुझे कोई समझ नहीं आ रही तुम्हारी। मैंने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए अनु? हाँ, और आज तुम मुझे इस तरह से ट्रीट कर रही हो? सॉरी टू से, आपने जो कुछ भी किया अपने मफाद के लिए किया, और नौशीन तक को आपने अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया। सारा वक्त इसको नौकरानी की तरह ट्रीट करके अब एकदम से नौशीन भी तुम्हारी सगी हो गई, क्योंकि वो तुम्हारे शौहर की बहन है। वाह, जो भी हुआ है हमारे घर में, जो भी डिजास्टर हुआ है, उसकी सारी की कसूरवार ये है, इसने किया है। आप ही, इस बेचारी के साथ तो मैंने कभी अच्छा नहीं किया। इस मुश्किल वक्त में इसने मेरा साथ दिया, साथ तो आपको देना चाहिए था ना? लेकिन आप तो सिर्फ रिश्ते तुड़वाने में माहिर हैं। मैं? क्या हो गया तुम्हें? जो रिश्ते मुझे लगेंगे कि सही नहीं है, हाँ मैं तोड़वाऊंगी। इस पे यकीन कर रही हूँ? ये तो है ही झूठी। इसका कोई और प्लान है, ये कोई और ख्वाब देख रही है। आप ही, ये आप क्या कह रही हैं? आज तक आपने मुझे जो कुछ कहा मैंने वो सब कुछ किया, लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने गलत किया। जो औरत अपने सगे बहन भाइयों की खुशियों की दुश्मन है, वो मेरे लिए क्या करेगी? क्या कह रही है ये? पागल हो गई है? तुम सब महाज बना रहे हो ना मेरे खिलाफ। इसके झूठ पे क्यों यकीन करोगी तुम? और तुम चुप हो जाओ, क्यों बकवास कर रही हो तुम? आज मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं सब कुछ चीख चीख के बताऊंगी कि आपने मरियम को सिप्तैन की जिंदगी से निकालने के लिए मेरा इस्तेमाल कैसे किया है।
आपने मुझे कैसे उम्मीद दिलाई कि आप मेरी शादी तिप्तेन से करवाएंगी? और इस उम्मीद में मैं वो सब कुछ करती चली गई जो कुछ आपने मुझे कहा। आपने मुझसे मरियम की बहन की अंगूठी चोरी करवाई ताकि उसके घर वालों की बेइज्जती हो सके। और जब आपने देखा कि मरियम और सिप्तेन अभी अलग नहीं हुए, सिप्तेन ने तो मरियम को छोड़ा ही नहीं, तो आपने क्या किया? आपने आसिफ का भी इस्तेमाल किया। ताकि सिप्तेन को मरियम से नफरत हो जाए और वो उसको हमेशा के लिए छोड़ दे। और यही नहीं, आपसे तो अपने सगे भाई की खुशी नहीं देखी गई, आपने तो मरियम को गलत दवाइयां देकर उसका बच्चा जाया करवा दिया। सजीला, मैंने जॉब के लिए एक फर्म में अप्लाई किया। बात तो करो यार। कपड़े निकाल देना, इस्त्री कर दूंगी। कपड़े मैं खुद भी प्रेस कर लूंगा। मुझसे कम से कम बात तो करो। जब से मैं जेल से वापस आया हूं, हम एक साथ बिल्कुल भी बैठ के हमने बात नहीं की। क्या करो? कहानियां सुनो जेल की, कैसे तुम लोगों के घर रिश्ते उनके घर का सुकून बर्बाद करती हो। मैं ये मतलब नहीं। नदीम, तुम्हारा जो भी मतलब था मुझे नहीं सुनना। पर तुमको मालूम है नदीम, मैं तुम्हारे साथ क्यों हूं यहां? ये मत समझना कि मैं मजबूर हूं तुम्हारी वजह से। मजबूर मैं एक माँ हूं, इसके दो बच्चियां। देखा है ना जिंदगी माँ बाप के बगैर कैसे होती है। नहीं जाती मेरे बच्चों की जिंदगी ऐसी। उन लोगों को बगैर बाप के बड़ा होता नहीं देख सकते। लेकिन याद रखना, मैं भूली नहीं हूं कि वो मेरा ही शौहर था जिसने मेरे भाई की सारी खुशियां छीन ली। जो भी किया तुम लोगों के लिए किया, अपने बच्चों के लिए किया, उनके फ्यूचर के लिए किया यार। यही तो अफसोस है नदीम, यही तो अफसोस है। तुम्हारी बातों में आके मैं भी लालची और अंधी हो गई थी। देखो सजीला, गलतियां हम दोनों से हुई हैं। क्या हम एक दूसरे को माफ करके एक और मौका नहीं दे सकते? सजीला बाजी फौरन घर पहुंचे, अल्लाह खैर करे। क्या हुआ?